और आज मैंने सोचा है कि कुछ मीठा बनाते हैं। हम बादाम डाल देंगे। गुड मॉर्निंग, अच्छे से बोलो मोटो। गुड मॉर्निंग मोटो। गुड मॉर्निंग। अरे मैं नहीं मोटो, तुम मोटो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काफी नींद में लग रही है और उठने को तैयार है नहीं। तो मुझे सपने आ रहे थे। कौन सपने आ रहे थे? क्या सपने आ रहे थे बाबू? कुछ कुछ ऐसे। क्या सपने में? कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, क्या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं। क्या सपने आ रहे थे? ऐसे कुछ कुछ सपने आ रहे थे मुझे। अच्छा काम करो, फिर से सो जाओ, तब तक मैं वॉक करके आता हूँ और कहीं फिल्म में भी सपना पूरा देख लो, ठीक है? ओके। तो आज का मौसम काफ़ी प्यारा है और मेरी मॉर्निंग वॉक अब लगभग कंप्लीट भी होने वाली है और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं फ्रेश हो चुका हूँ और किचन में आ चुका हूँ और मुझे करनी है ब्रेकफास्ट, और पता नहीं क्या ब्रेकफास्ट में अवेलेबल है। और मॉम और पूजा अपने काम में लगे हुए हैं और मैं अपना ब्रेकफास्ट मांगा है, बट देखते हैं क्या आता है। और ये मुझे मिला है मिल्क और टोस्ट, और ये मुझे अच्छा भी लगता है, बट इसी से आज काम। Hey everyone, welcome back to my channel Rudra Pooja Talks। कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें प्लीज़। तो मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे और यहाँ काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और मौसम काफ़ी अच्छा है। आ चुकी हूँ और आज मैंने सोचा है कि कुछ मीठा बनाते हैं, तो मैं मूंगफली का हलवा बनाने जा रही हूँ। पर उससे पहले मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। ये रही हमारी मूंगफली, इसको हम फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो अब हमारा फ्राई पैन गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली और मूंगफली को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मूंगफली को बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि उसके छिलके निकल जाए। तो अब हमारा मूंगफली हल्का फ्राई हो चुका है और हम इसे हल्का फ्राई ही करेंगे, हल्का ब्राउन ही करेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये कड़वा हो सकता है और हमारा हलवा कड़वा लगेगा। तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं बिहार से हूँ और बिहार में हम लोगों के यहाँ बहुत जगह पे इसे बादाम ही बोलते हैं और बहुत जगह पे मूंगफली बोलते होंगे, पर हमारे यहाँ बादाम बोलते हैं। और पिछले वाली वीडियो में सभी लोगों ने कमेंट किया था कि आप मूंगफली नहीं बोल रहे हो, बादाम बोल रहे हो इसे। तो मूंगफली फ्राई हो चुकी है और ये अभी गर्म है, इसे थोड़ा सा ठंडा कर देंगे और हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसके छिलके निकालेंगे हम। ये आप देख सकते हैं छिलके निकल रहे हैं इसके। मैंने बादाम क्लीन कर लिया है और थोड़े बहुत छिलके इसमें रह गए हैं, अब मैं इसे पीसने के लिए डालूंगी। मैं वीडियो अकेले शूट कर रही हूँ और मैं ये मूंगफली डाल रही हूँ तो ये गिर जा रहा है और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है अकेले वीडियो शूट करने में, तो मैंने रख दिया है। तो ये मैंने बादाम इसमें रख दिया है, अब हम इसे पीस लेंगे। मूंगफली हमारी पिस चुकी है और हम लोग इसे हमेशा से बादाम ही बोलते हैं, तो अगर मैं वीडियो में कोई कभी बादाम बोल दूं तो आप इसे माइंड मत करना। अब हम चीनी भी पीस लेंगे, स्वाद अनुसार चीनी, जितना मीठा आपको पसंद है उतना चीनी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी हमारी पिस के रेडी हो चुकी है, अब मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा है और इसमें घी डाला है मैंने। घी का यूज़ करने से हलवा का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। घी हल्की गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली डालने के बाद इसे हल्का फ्राई करेंगे।
हल्का ब्राउन सा फ्राई करेंगे। बादाम फ्राई हो रही है, तब तक हम थोड़ी सी किशमिश लेंगे और थोड़ा सा आलमंड के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, या इसको क्रश भी कर सकते हैं। ये हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसमें हम ऐड करेंगे किशमिश और जो मैंने आलमंड का आटा है छोटे छोटे टुकड़े किए हैं उसके, वो इसमें मिक्स करेंगे। और ये हल्का ब्राउन भी हो चुका है, मैंने किशमिश और आलमंड इसमें डाल दिया है, हल्का ब्राउन भी हो चुका है, तो इसे अच्छे से सिर्फ मिक्स करके और उतार लेंगे। तो ये तैयार हो चुका है हमारा मूंगफली का हलवा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा मूंगफली का हलवा तैयार हो चुका है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, एंड ट्राई करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी, वाव। तो ये मैं रूम में आ चुकी हूँ अपना पीनट हलवा लेके, और मैं जा रही हूँ टीवी ऑन करने, थोड़ा सा टीवी देखूँगी, उसके बाद हलवा खाऊँगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करना। तो आपने हलवा बनाया और खुद ही खा गए, ऐसा क्यों? खुद ही खाई और तो थोड़ा सा बचाया हुआ है मैंने आपके लिए। मतलब मेरे लिए इतना सा क्यों बचाया, वो भी खा जाओ आप। अरे बहुत है आपके लिए। ओके रुको, देख कैसा कैसा है। अच्छा है, मिला जुला ठीक है, बट चीनी बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ चीनी ज्यादा है, ज्यादा नहीं लग रहा है, परफेक्ट है, अब नहीं चाहिए ना। तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि पूजा का ये मूंगफली हलवा का रेसिपी आपको कैसा लगा। और मैं सोच रहा हूँ कि पूजा के लिए एक नया चैनल बना दूँ, रेसिपी का चैनल। इसके लिए आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आज के लिए वन मिनट, आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं। बाय बाय।